वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के बारे में कि यहाँ पर कब बनेंगे रोमन रेंस एक बार फिर से यूनिवर्सल चैंपियन, मतलब बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कब आएगी रोमन रेंस के पास एक बार फिर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यहाँ पर इससे के रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पर रोमन रेंस की वापसी हो चुकी है और वो हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एज ए रेगुलर, और हम सबको ये पता है कि यहाँ पर रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप कभी भी नहीं हारी। और जैसे कि हम सबको याद होगा कि यहाँ पर अक्टूबर में यहाँ पर रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी थी, क्योंकि उसी रात उन्होंने अनाउंस किया था कि वो उन्हें हुआ है कैंसर, तो इसलिए कैंसर की वजह से उन्होंने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी थी। और यहाँ पर फाइनली मार्च में आकर यहाँ पर रोमन रेंस की वापसी हो चुकी है और यहाँ पर रोमन रेंस के पास पूरा राइट है कि यहाँ पर वो अपना मैच कर सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये हम सबको पता है कि यहाँ पर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रोमन रेंस ने वो चैंपियनशिप कभी भी नहीं हारी, मतलब यहाँ पर रोमन रेंस का इस वक्त का सीन बना हुआ है फिन बैलर के जैसा ही, मतलब जैसे फिन बैलर ने अपनी जीती थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप समर स्लैम में और उन्हें हो गई थी इंजरी समर स्लैम में ही, और उसके बाद वाली रो में आकर यहाँ पर फिन बैलर ने अपनी रिलिंक्विश कर दी थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन जब एक दो साल बाद जब फिन बैलर को फिर से मिला यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हासिल करने का मौका, तब वो उसमें हार गए। मतलब यहाँ पर कहने की बात यह है कि यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मौका मिला था फिन बैलर को फिर से, मतलब एक तरह से रीमैच मिला था फिन बैलर को अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रिलिंक्विश के बाद वाला में रीमैच। तो यहाँ पर जिस तरह से ये सीन घटा है फिन बैलर के साथ, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत आने लगी है कि यहाँ पर यही सीन घट सकता है रोमन रेंस के साथ। मतलब ये अलग बात है कि यहाँ पर फिन बैलर नहीं बने यूनिवर्सल चैंपियन, ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर वो यूनिवर्सल चैंपियन बने या नहीं बने, ये मैटर करता है कि यहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर रोमन रेंस को भी मिलेगी यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हासिल करने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम अभी की बात करें जिस तरह से अभी चल रही है, उसको देख कर लग रहा है कि यहाँ पर रोमन रेंस को ये चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली इस महीने से पहले, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कंफर्म हो चुका है ब्रॉक लेसनर वर्सेस थ्रोन्स का मैच फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये सीन एक तरह से इम्पॉसिबल लग रहा है इस महीने से पहले कि यहाँ पर रोमन रेंस बनेंगे यूनिवर्सल चैंपियन इस महीने से पहले। तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रोमन रेंस को मिल सकती है अपनी टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी रेसलमेनिया के बाद, मतलब यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में जो भी जीता वो यहाँ पर बन सकता है रोमन रेंस का अगला शिकार। तो यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस की जीत होगी है रेसलमेनिया 35 में, मतलब वो बन चुके हैं वर्सेस चैंपियन। तो यहाँ पर रोमन रेंस के पास राइट है कि यहाँ पर वो चैलेंज करें सेथ रॉलिंस को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर उन्होंने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप कभी भी नहीं हारी, तो उनके पास बहुत ही परफेक्टली वाला राइट बनता है कि वो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हासिल करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मांगे। मतलब इन शॉर्ट हमें रेसलमेनिया 35 के बाद ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर रोमन रेंस को मिल रही अपॉर्चुनिटी उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हासिल करने के लिए, वही यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो उन्होंने कभी भी नहीं हारी। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और बताइए कि आप देखना चाहते हैं रोमन रेंस को एक बार फिर से यूनिवर्सल चैंपियन या फिर नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी तो लाइक करें और WWE की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब बेल को दबा दें। Oh, oh, oh.